क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? क्या कोई बेटा अपनी माँ की ही जान ले सकता है? कि रोने की आवाज आई है भाई, कहीं उसके अंदर से तो नहीं है? मैं के आसपास के खेतों के लोगों को ऐसा लगा है कि उसकी माँ आज भी वहाँ खेतों में टहल रही है, ऐसे नजर आती है। आज ना दो तीन बार सुनाई देगी। कहते हैं लास्ट में उसने अपनी ही माँ को यहाँ पर जिंदा मार दिया, मतलब जान से मार दिया। अच्छा, चोरी भी होती है यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बहन उतर गया यहाँ से। कहाँ पे? इधर से? अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं आपका भाई अमित हाजिर हूँ दोबारा आप लोगों के सामने एक बार एक नई वीडियो के साथ और एक नई हॉन्टेड लोकेशन पर। यहाँ की कहानी सुनकर या इस जगह को एक्सप्लोर करने के बाद, आप लोगों को यहाँ की लोकेशन देखने के बाद जितना डर लगने वाला है ना, मैं यकीन मानो, एक मकड़ी का जाल सा है यहाँ, यकीन मानो आप यहाँ की लोकेशन देखने के बाद डरोगे तो ज़रूर, लेकिन साथ में यहाँ की कहानी सुनने के बाद आप भावुक भी हो सकते हो कि क्या कोई बेटा अपनी माँ के साथ ऐसा कर सकता है? क्या कोई बेटा अपनी माँ की ही जान ले सकता है? तो यहाँ की कहानी कुछ इस तरीके से कि यहाँ से पास में ही एक गांव लगता है और उसका नाम नहीं बताऊंगा मैं आपको, और मेरे घर से ये लोग जो जगह है ये है तकरीबन 237 किलोमीटर और ये यूपी की तरफ में पड़ती है। तो कहते हैं कि एक परिवार था जिसके अंदर सिर्फ माँ और बेटे थे। उनके पिताजी की डेथ काफ़ी टाइम पहले ही ड्रिंक करने की वजह से हो गई थी, और कहते हैं कि उसके बाद जो भी उनकी ज़मीन जायदाद थी, सब कुछ था ना, वो उसकी माँ के नाम पर थी। लेकिन वो लड़का जो चाहता था ना कि वो ज़मीन जायदाद सब कुछ उसके नाम पर हो जाए, उसके पीछे रीज़न ये था कि उसका जो बेटा था वो गलत संगत में पड़ा हुआ था, किसी वेश्या के चक्कर में वो पड़ गया था और दारू शराब नशा ये सब करना उसकी लत बन चुकी थी, और उसने उस लत को पूरा करने के लिए, उस वेश्या की डिमांडों को पूरा करने के लिए उसने सोचा क्यों ना अपनी ज़मीन जायदाद जो भी है वो पड़ी है, आखिर वहाँ पे कोई काम तो करता नहीं है, तो उसको क्यों ना बेच कर अपनी ज़रूरतों को पूरा किया जाए। तो उसने जब ये चीज़ उसके मन में आई तो उसकी माँ से जब उसने बोला कि मेरे को ज़मीन जायदाद ये बेचनी है, तो उसकी माँ ने साफ मना कर दिया। तो उसके घर में काफ़ी टाइम से ये सब मनमुटाव चलने लगा, और एक दिन क्या हुआ कि उसने कोई प्लान बनाया कोई नशे की हालत में, और उसने रात में अपनी माँ को बोला कि यहाँ के पास का जो हमारे खेत का ट्यूबवेल है वहाँ पे रात में कोई चोरी वगैरह हो गई है, तो वो चल के देखने के लिए तकरीबन रात के 11-12 बजे के आसपास। तो वो माँ बेटे दोनों यहाँ पर एक लाइट वगैरह लेके यहाँ पर आए देखने के लिए, लेकिन आते ही यहाँ पर क्या पता चलता है कि चोरी वगैरह कुछ भी नहीं हुई है। एंड जब उसने अपने बेटे से पूछा गया था कुछ भी नहीं हुआ, तो उसने बोला कि मेरे को यहाँ की ज़मीन जायदाद सब चाहिए, मेरा आप मेरे नाम कर दो। तो दोबारा बहस हुई, बहस इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो लड़ाई पर उतर आया, उसने अपनी माँ को मारना पीटना चालू कर दिया, एंड कहते हैं लास्ट में उसने अपनी ही माँ को यहाँ पर जिंदा मार दिया, मतलब जान से मार दिया। एंड कहते हैं कि फिर उसके बाद वो यहाँ से चला गया और गांव गया तो गांव के लोगों में, ताकि उसको ये भी सब पता था कि अगर गांव के लोगों को पता चलेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर केस वगैरह कर देंगे। तो उसने गाँव में एक झूठी अफवाह फैलाई कि मेरे ट्यूबवेल पे चोर वगैरह आए हुए थे, तो हम मम्मी और मैं हम दोनों गए हुए थे एंड चोरों ने मेरी माँ को जान से मार दिया। कहते हैं कुछ टाइम बाद उसकी माँ ने उस लड़की को पोजेस कर लिया था उसकी आत्मा ने, एंड कहते हैं कि वो जो लड़का है ना वो उसके ऊपर उसकी माँ आने लग गई थी। तो कहते हैं कि बाद में कोई तांत्रिक वगैरह बुलाया गया गांव के लोगों ने, जो सरपंच वगैरह थे उन्होंने बुलाया कि भाई ऐसा क्या हो रहा है, एक अकेला लड़का है बेचारा, उनकी नज़रों में वो बेचारा बना हुआ था कि बेचारा एक लड़का है और इसके ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने किसी तांत्रिक को बुलाया, एंड जब उसकी माँ उसके शरीर पर आई तो उसकी माँ ने पूरी कहानी बताई कि इसने ही मेरे को मारा है, मेरे को किसी चोरों ने किसी ने कुछ नहीं मारा, ये किसी गलत संगत में पड़ा हुआ था एंड इसको वो सारी ज़मीन जायदाद चाहिए थी, इसलिए उसने उस लालच में ही मेरे को मार डाला। तो उस टाइम पर वो तांत्रिक भी वहाँ से पीछे हट गया क्योंकि उसकी माँ को इतनी ज़्यादा खतरनाक हो चुकी थी, इतनी ज़्यादा फुकार हो गई, उसको कंट्रोल कर पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। फिर वो तांत्रिक वहाँ से चला गया, लोगों ने उस लड़के को अपने गांव से बर्खास्त वगैरह मतलब निकाल दिया, बोला कि अब तू यहाँ पर नहीं रहेगा, तू इस तरह का है, अपनी माँ को ही मार डाला। एंड कहते हैं कुछ टाइम बाद रहस्यमय तरीके से उस लड़के की भी लाश इसी जगह पर मिली थी। कहते हैं कि गाँव वालों के मुताबिक कि उस लड़के को उसकी माँ ने ही
यहाँ पर मार दिया था। कहते तब से लेकर आज तक ना उनकी जो जमीन जायदाद वो ऐसी पड़ी हुई है, उसको कोई कुछ नहीं काम होता, कोई कुछ भी कुछ नहीं करता, ऐसी बस पड़ी हुई है। एंड कहते कि रात में आज भी उसकी माँ की यहाँ पर रोने की आवाज़ें सुनाई देती है। कभी कभार उन लोगों को, यहाँ के आसपास के खेतों के लोगों को ऐसा लगा है कि उसकी माँ आज भी वहाँ खेतों में टहल रही है, ऐसे नज़र आती है। तो भाई ये सारी कहानी है जो सुनने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़ गया कि क्या सच में ऐसा हो सकता है, क्या सच में उसकी माँ आज भी यहाँ पर नज़र आती है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ। और कहते हैं यहाँ पर एक चौराहा है, तो चौराहे तक तो लोग आते हैं, लेफ्ट मुड़ जाते हैं, राइट मुड़ जाते हैं, लेकिन इस रोड से सीधा उस रोड तक नहीं जाते, मतलब जो कि उनके खेतों तक जाता था। तो अभी हमें चलना वहीं है। और कहानी ये थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी कि कहानी क्या है, यहाँ पे क्यों एक औरत भटकती है, एक माँ की आत्मा भटकती है। चलते हैं, बात करने की कोशिश करेंगे, ट्राई करने की कोशिश करेंगे, देखने की कोशिश करेंगे क्या सच में यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ मौजूद है या नहीं है। एंड लेट्स सी। और जिन बहन ने अभी तक यहाँ तक वीडियो देख लिया, फटाफट पहले जाके वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो। एंड चलते हैं, देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। गाइज ये रोड आप लोगों को दिख रहा होगा, तो ये सामने की तरफ चौराहे, एक ये रोड है जिस पे मैं खड़ा हूँ, एक ये रोड जो कि यहाँ से राइट की तरफ मुड़ रहा है, एक ये रोड जो यहाँ से लेफ्ट की तरफ में मुड़ रहा है, और एक ये रोड जो कि आगे सीधा जा रहा है। और लाइट मैंने काफ़ी डिम कर रखी है, कि ज़्यादा तेज़ नहीं कर रहा, क्योंकि अगर गाँव के लोगों को दिख गया कि मैं यहाँ पर हूँ तो वो यहाँ पर आके सवाल जवाब करने चालू हो जाएंगे, जो कि मैं नहीं चाहता। और रात का मैं टाइम बता दूँ, टाइम हो रहा है तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं, मतलब 1:37 का टाइम हो रहा था जब मैं गाड़ी से निकला था, और 10-15 मिनट मेरे को लग गए इंटर वगैरह लेने में, तो तकरीबन 1:30-2:45 का आसपास का टाइम हो रहा है, या 2 बज रहे होंगे। तो ये वो रोड है जिस पर गाड़ी मेरी पीछे खड़ी है, बट ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पीछे पीछे आ रहा है। तो एक थोड़ी सी वाइब्स आ रही है, और चलते हैं आगे की तरफ में। और एक यहाँ पर एक पेड़ है, बहुत अजीब सा दिख रहा है भाई, बहुत ही अजीब सा। तो फोन कैमरा पकड़ने में दिक्कत हो रही है। तो ये वो जगह है, यहाँ से कहते हैं कि कोई भी आगे नहीं जाता है, क्योंकि उनको डर है कि जो माँ है, जो औरत है, उसकी रूह यहाँ पर, ये क्या चीज़ बैठी हुई है वहाँ पे, गाइस ये क्या है यार, गाइस पता नहीं क्या चीज़ है यार ये। थोड़ा सा आगे चलता हूँ, कहीं ऐसा ना कोई पत्थर वत्थर हो, मैं खामखा ही डर रहा हूँ, क्योंकि इस तरफ में काफ़ी रोड उथल पुथल हो रखा है, ये देखो। और यहाँ की हालत काफ़ी ज़्यादा ना जर्जर हो रखी है। अच्छा ये पत्थर ही है, मेरे को ऐसा लग रहा है जैसे कोई चीज़ वहाँ पे बैठी हुई है, एंड काफ़ी ज़्यादा स्कैरी। भाई ये रोने की आवाज़, भाई ये रोने की आवाज़, क्या अम्मा आप यहाँ पर मौजूद हैं, क्या ये रोने की आवाज़ अम्मा आपकी है? देखिए अम्मा, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं और आप मेरे को देख पा रहे हैं, तो मैं आपको नुकसान पहुँचाने या किसी भी तरह से परेशान करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं जानता हूँ आपके बेटे, ओके ओके यार, शिट भाई, हर एक चीज़ यहाँ पर ना डरा रही है। एंड भाई रोड पे आगे चल तो रहा हूँ, लेकिन मन में ना एक डर बैठा हुआ है, एक खौफ बैठा हुआ है कि पता नहीं यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा, वो चीज़ को लेकर। और इस तरफ में तो जंगल वगैरह का एरिया है, हल्के हल्के पेड़ वगैरह आपको उस तरफ में नज़र आ रहे होंगे, और यहाँ पर आगे ट्यूबवेल वगैरह है जिसकी लाइट आपको दिख रही होगी, तो मैं इससे आगे नहीं जाऊँगा। और सामने की तरफ मैं थोड़ा सा अगर आगे चलूँगा ना,
तो आपको दीवार दिख जाएगी, तो उस दीवार के बाद ही उन लोगों के खेत हैं, और ये शायद उन लोगों का ही ट्यूबवेल था जो यहाँ पर अब शायद वो गांव वाले यूज़ करते हैं क्योंकि खेत वगैरह में पानी वगैरह देने के लिए। तो ये सामने की तरफ में आपको दीवार दिख रही होगी, ये देखो, तो इसके बाद ही उन लोगों के खेत हैं, तो वहाँ पे नहीं जाएंगे। और एक ये ट्यूबवेल इस तरफ में है दोस्तों, अब उनका ट्यूबवेल शायद ये वाला था या ये वाला था, ये कन्फर्म नहीं है। हो सकता है कि शायद ये वाला ट्यूबवेल हो क्योंकि ये भी पूरा बंद पड़ा हुआ है और ये वाला चालू है, तो हो सकता है कि ये वाला ट्यूबवेल उन माँ बेटे का हो। ओ भाई शिट यार, ये कुत्ता आ गया सामने, देख के अचानक से दिल की धड़कने और ये रोने की आवाज़, ये रोने की आवाज़ आई है भाई, कहीं उसके अंदर से तो नहीं है भाई। मैं उसके अंदर तो नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पे लाइट जल रही है, लोग वगैरह होंगे तो कोई भी आके सवाल जवाब कर सकता है। एंड वो देखो, मैं थोड़ा इस तरफ से दिखाता हूँ क्योंकि खंभा बीच में आ रहा है, तो वो है, और नीचे वहाँ पे देखो चरपाई वगैरह ऐसा कुछ डली हुई है, और ये वो जगह है, शायद यही होगी क्योंकि नीचे की तरफ जो खेत है उसमें कोई काम वगैरह भी नहीं हो रहा था, हो सकता है कि यही खेत होंगे। और हमें सिर्फ रोड पे घूमना है क्योंकि कई बार लोगों ने इस रोड पर भी उस अम्मा को देखा है, उनकी आत्मा को, उनकी रूह को यहाँ पर महसूस किया है घूमते हुए, क्योंकि यही खेत है, तो खेत के आसपास में ही यहाँ पर वो नज़र आती है। और ये देखो, ये रोने की आवाज़ भाई, ये रोने की आवाज़ ना 2-3 बार सुनाई दे गई, ऐसा लग रहा है अम्मा जो जिनकी भी यहाँ पर मौत हुई है ना, वो काफ़ी ज़्यादा दुख में है, परेशान में है, शायद उनको मुक्ति चाहिए। और वो तांत्रिक भी ये काम नहीं कर पाया, वो भी पीछे हट गया जैसे उसको पता चला कि इस लड़के ने अपनी ही माँ को मार डाला, तो वो भी उस जगह से पीछे हट गया। और यहाँ से पता नहीं क्यों रोने की आवाज़ आई थी भाई, तो थोड़ा सा डर भी है क्योंकि जो वो रूह हो गई थी ना, वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक रूह हो गई थी। और भाई ये पायल की आवाज़, भाई पायल की आवाज़, भाई मैं आगे नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ पे जो लाइट जल रही है ना, वहाँ पे कोई बंदा हो सकता है, कोई भी आके सवाल जवाब करने लग जाएगा, तो मैं उस चीज़ से थोड़ा बचना चाहता हूँ। एंड आप लोग नोटिस कर रहे हो, कीड़ा के बैठ गया था कैमरे पे, तो कि जो कुत्ता आया था ना अभी पास में, एंड वो सडनली गायब हो गया है। देखो ना इस तरफ में है और ना ही इस तरफ में है, ये देखो आसपास में कहीं भी नहीं है, वो कुत्ता अचानक आया और अचानक गायब हो गया भाई। ये थोड़ा अजीब है, थोड़ा सा स्कैरी सा लग रहा है कि ये देखो रोने के बाद, अम्मा अगर आप मुझको सुन पा रही हैं तो क्या आप मुझे ये जवाब दे सकते हैं कि आपको मुक्ति चाहिए? शांत हो गई आवाज, आवाज़ शांत हो गई। पता है मन में कभी बार बार ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि इधर कैमरा करो तो अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए, या इस तरफ करूँ तो अचानक से कोई चीज़ सामने आ जाए, तो भाई हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी क्योंकि अकेले ऐसी जगह पर आना और ऐसी जगह को विजिट करना यार काफ़ी ज़्यादा रिस्की होता है। और मैं आप लोग के बार बार ये कमेंट्स आते हैं कि भाई अकेले मत जाया करो, अकेले मत जाया करो, भाई ऐसी चीज़ों को देखने के लिए, फील करने के लिए अकेले ही आना पड़ता है। आप 10 लोगों के ग्रुप में आओगे ना तो वो चीज़ आपको कभी भी अपनी, ऐसा लगा कोई चीज़ पीछे आ रही है भाई। यहाँ पर देखो, मैं ये देखने के लिए आया था कि जो भी यहाँ पे कहानी बताई जा रही है वो सच है या नहीं है, ये गांव वालों के थ्रू एक बनाई गई अफवाह है, लेकिन ये अब मेरे को सच लग रहा है जिस तरह से ये आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, क्योंकि ये साफ पता चल रहा है कि किसी दुख में हुई मौत के कारण कोई औरत है जिसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। और मैं ये बोल रहा था कि ऐसी चीज़ें सिर्फ जब आप अकेले होते हो ना
तभी वो अपनी मौजूदगी का एहसास करवाती है। और भाई सामने से कोई साइकिल पे आ रहा है, एक बार मैं लाइट नीचे करता हूँ और देखता हूँ। चोरी भी होने लग रही। अच्छा चोरी भी होती है यहाँ पे? हाँ जी, मेरी बात सुनो, ट्रांसफार्म उतर गया यहाँ से। मैं कहाँ पे? इधर से? यहीं से। अच्छा अच्छा, हम जब ही आते हैं चक्कर मारने। अच्छा हाँ जी, हमारे खेत है यहाँ 10 किलो जमीन है। अच्छा ये तो बड़ा आपने नया सुना। आप देखो बात, हमारी रोज की भुट्टा टूटती है ना, जी जी, ध्यान रखने आते हैं। अच्छा। ये अपना ये यहाँ 18 किलो यहाँ धरती है। चलो धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। भाई कुत्ता भी आ गया सामने, और ये बाबा जी आए थे, ये जा रहे हैं साइकिल पर। इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर चोरियाँ वगैरह भी होती हैं आसपास के, यहाँ से कहीं से ट्रांसफार्मर वगैरह चोरी हो गए हैं। तो उन्होंने बोला भाई इस चीज़ का रिस्क है, आप यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि ये लोग भी ना यहाँ पर आते हैं। तो मैंने अभी उनसे ये भी पूछा था कि यहाँ पर किसी भूत वूत का है, तो उन्होंने बोला हाँ ये बात तो है कि यहाँ पर वो औरत मौजूद है, लेकिन ये देखो वही बाबा ही है। तो भाई निकलते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि और लोग आ जाएं और सवाल जवाब करने लगे। तो यहाँ से निकलते हैं, तो पीछे की तरफ में गाड़ी की तरफ में चलते हैं, क्योंकि भाई चोरों का और ऐसी चीज़ों का ना कुछ नहीं पता। और भाई बाबा भी नशे में ही लग रहे थे, तो कुछ नहीं पता भाई, और लोगों को भी बुला सकते हैं, कहीं मेरे पे बात बात ना बन जाए कि भाई इतनी रात में क्यों घूम रहा है ये वो, तो ये रिस्क हो सकता है। तो वापस मैं पीछे मुड़कर आ गया हूँ, और वो आवाज़ अभी तो फ़िलहाल आना बंद हो गई है, तो वापस भाई गाड़ी की तरफ में चल रहा हूँ। भाई निकलते हैं, फिर उसके बाद बात करता हूँ यहाँ पे। भाई वो बाबा यहाँ पर आ गए थे, अपना कुछ नाम खाड़ू बाबा ऐसा कुछ बता रहे थे, एंड उनसे मैंने बात बात करी। मैंने पूरी क्लिप आपको नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि बीच में उन्होंने थोड़े गाली गलौज वगैरह भी यूज़ करना चालू कर दिया था उन लोगों के लिए जो यहाँ पे चोरी वगैरह करते हैं उन पे। तो उनसे मैंने जब पूछा कि भाई यहाँ पर बाबा यहाँ पर कोई ऐसी आत्मा वगैरह कोई ऐसी चीज़ है जो औरत के बारे में बताया जाता है कि बेटे ने मार लिया, उन्होंने बोला हाँ ऐसी चीज़ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन उससे ज़्यादा यहाँ पर खतरा उन चोरों का है जिन्होंने यहाँ पर चोरी वगैरह करी है, तो उन चीज़ों का रिस्क है, आप यहाँ से निकल जाओ। तो भाई बाबा बोल रहे हैं यहाँ से फटाफट निकल जाओ वरना दिक्कत हो सकती है, तो मैं यहाँ से निकल